हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। चलो सभी का हाल चाल बढ़िया होना चाहिए। तो फाइनली बहुत बहुत टाइम के बाद सर एक यहाँ पर वीडियो में डालने जा रहा हूँ जी। आज बहुत सारे बच्चों के डेली बेस पर मैसेज आते हैं, सर जीएसटी की अमेंडमेंट क्लास कब डालोगे, प्लीज जीएसटी की अमेंडमेंट क्लास डाल दो। तो उसी के लिए अब मैं अमेंडमेंट की सीरीज यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जी। जीएसटी की मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मेरे बैचेस चल रहे हैं, बट अभी मेरे पास एक घंटा लंच टाइम फ्री था, तो मैंने कहा इस एक घंटे को मैं यूटिलाइज करता हूं अपनी पूरी फैमिली के लिए। तो उसी एक घंटे में मैं अमेंडमेंट यहां पर रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, और यही अमेंडमेंट क्लास में आज अभी इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। इसके अंदर हम सारी अमेंडमेंट तो कवर नहीं करेंगे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आज हम कंप्लीट कर देंगे, बाकी आपकी दो तीन क्लास जितनी भी और आएंगी ना उसके अंदर हम सारी अमेंडमेंट जीएसटी एंड कस्टम सारी कंप्लीट कर लेंगे विद एग्जाम्पल। ये बात ध्यान देना, इधर सुना ध्यान से। अब इस अमेंडमेंट क्लास में एक तो मुझे अमेंडमेंट डिस्कस करनी है और मुझे कुछ आपसे क्वेश्चन करने हैं। सर आप मुझसे क्वेश्चन नहीं करोगे, आज मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, बट पहले अमेंडमेंट करेंगे, उसके बाद मेरे क्वेश्चन आपके होंगे और आपको मुझे उसका रिप्लाई करना है, ठीक है जी। तो इधर सुना ध्यान से, अब अगर मैं अमेंडमेंट क्लास की बात करता हूं ना, तो अमेंडमेंट में हमें डिस्कस क्या करना है। सबसे पहली बात, जितनी भी आपकी नोटिफिकेशन जो है वो अगर 30th नवंबर 2018 तक जितनी भी नोटिफिकेशन आई हैं वो सारी की सारी इसके अंदर हमें डिस्कस करनी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी तक जो हम अमेंडमेंट डिस्कस करते थे ना, वैसे अमेंडमेंट आपकी जून एग्जाम में एप्लीकेबल होती थी 31st दिसंबर, बट जो आपके अभी आईसीएसआई ने सप्लीमेंट इशू किए हैं तो उसमें उन्होंने अमेंडमेंट जो कवर किए हैं वो 30th नवंबर तक की हैं। इट मीन्स 30th नवंबर तक की जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं उसको मैं यहां पर डिस्कस करा रहा हूं, बाकी नवंबर से दिसंबर के बीच में जो तीन चार नोटिफिकेशन है ना, वैसे उसकी वीडियो भी डाल दूंगा, क्योंकि भरोसा कुछ भी नहीं ऐसा ऐसे का कई बार एग्जाम में वहां से आ जाता है, तो उसकी वीडियो डाल दूंगा मैं करके चलूंगा 31st दिसंबर तक। बट अभी जो अमेंडमेंट कर रहे हैं वो 30th नवंबर तक ही है। नवंबर से दिसंबर तक के जो बीच में अमेंडमेंट्स आई हुई हैं वो भी मैं आपको करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। उसके बाद एक तो मुझे वो अमेंडमेंट करने नहीं है, दूसरा जो आपका जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 था ना, उसमें भी काफी सारी अमेंडमेंट्स हैं जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स आई हैं और वो हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हैं। तो ये अमेंडमेंट क्लास जो मैं जानने जा रहा हूं सर, जिनके भी एग्जाम जून में है, दोबारा सुन लो, जिनके भी एग्जाम जून में है उनके एग्जाम के लिए अमेंडमेंट है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के हैं, प्रोफेशनल के हैं, या इवन आपके सीए के भी एग्जाम है, ये अमेंडमेंट सारी आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। जिनके एग्जाम दिसंबर में होंगे ना उनके एग्जाम में अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं होंगी, उनके एग्जाम में और काफी सारी अमेंडमेंट अभी आनी है। तो जिनके एग्जाम जून में है वो टारगेट लेके चलो कि मेरी फैमिली का अगर कोई बच्चा जून एग्जाम देने चाह रहा है तो जून एग्जाम में जितनी अमेंडमेंट जीएसटी में करनी है वो सारी आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, एक तो नोटिफिकेशन सर्कुलर 30th नवंबर तक वो हमें यहां पर करने हैं, बाकी जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 18 पूरा एप्लीकेबल नहीं है, पूरे उसके अंदर काफी सारी अमेंडमेंट्स हैं, बट कुछ अमेंडमेंट्स आपकी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हैं, वो सारी अमेंडमेंट आपके एग्जाम में आएंगी, वो हमें यहां पर कंप्लीट करनी है, ठीक है जी। तो इन्हीं बातों के साथ अब मैं अमेंडमेंट क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं जी। बस प्लीज आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा सर, मैक्सिमम 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 हर बच्चे के साथ शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सर इंतजार में हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि जीएसटी में अमेंडमेंट्स कितनी है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि अमेंडमेंट हैं छोटी छोटी हैं छोटी छोटी, बट उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, एग्जाम में कैसे हमें आंसर देकर आना है, वो सारी बातें आज हम यहां पर डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट कर सकता हूं, पक्का पक्का पूरी फैमिली तैयार है? यस सर। हाउस द जोश? हाई सर। हाउस द जोश? हाई सर। हाउस द जोश? हाई सर। यस सर। चलो जी आओ जी, इधर सुना ध्यान से। अब इन्हीं बातों के साथ ना, अब अगर मैं अमेंडमेंट की बात करता हूं, सबसे पहले आज जो हमें अमेंडमेंट कवर करनी है, आज हमें दो अमेंडमेंट कवर करनी है। सबसे पहली अमेंडमेंट जो जीएसटी के चार्जिंग सेक्शन में ही है, तो एक तो वो हमें कंप्लीट करनी है, दूसरी अमेंडमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो सप्लाई के चैप्टर में है, आज हमें यहां पर वो डिस्कस करनी है। तो आज हमें यहां पर दो चैप्टर कंप्लीट करने हैं। आपके पास जीएसटी की अगर मेरी नई वाली बुक है तो आप वो ओपन करके बैठ जाओ, उसमें सारी अमेंडमेंट्स दी हुई हैं। अगर पुरानी वाली बुक है तो भी ओपन करके बैठ जाओ, किसी भी टीचर की कोई भी आपके पास जीएसटी की बुक है प्लीज आप ओपन करके अपने सामने रख लो, जहां जहां अमेंडमेंट्स होंगी ना मेरे साथ साथ आपने वहां पर कंप्लीट करना है। बात समझ में आ रही है? अगर आपने नई बुक नहीं भी ली तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको नोट डाउन करना है कि चेंजेस कहां पर है, क्या है, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, वो सारी बातें मैं यहां पर आपको बता दूंगा, ठीक है जी। सबसे पहले अगर मैं अमेंडमेंट नंबर 1 की बात करता हूं ना, इधर सुना ध्यान से। अब मैं ये आपको अपनी बुक दिखा रहा हूं, अगर आपको यहां पर दिख रही होगी ये मेरी बुक है, जिनके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी टीचर की होगी उसकी बुक ओपन कर लेना, उसमें आपको एक चैप्टर दिया होगा चार्जिंग सेक्शन वाला। याद करो जब आपने रिविजन क्लास देखी होगी ना, तो मैंने कहा था चार्जिंग सेक्शन जो होते हैं ना सर, चार्जिंग सेक्शन आपका सीजीएसटी में 9 है, आईजीएसटी में 5 है,
यूटी जीएसटी में 7 है, और याद करो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था सेक्शन नंबर 9 के टोटल मिलाकर हमारे 5 क्लोज आते हैं, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5। 9-1 में क्या था जी, बेसिक था कि जीएसटी कब लगता है, किस वैल्यू पर लगेगा, किस रेट से लगेगा, कलेक्शन कैसे होगा, वो सारी बातें 9-1 में थी, उसमें कोई चेंज नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं 9-1 में कोई भी चेंज नहीं है। 9-2 में था 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी कब लगेगा, जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। सर क्या उसमें चेंज आ गया, बिल्कुल भी नहीं, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। 9-3 हमारा रिवर्स चार्ज का था कि कुछ स्पेसिफाइड गुड्स होंगे, स्पेसिफाइड सर्विस होंगी, उसमें रिवर्स चार्ज लगेगा, ठीक है। अगर आपको ध्यान आ रहा हो 9-3 में हमने लिस्ट की थी गुड्स और सर्विस की, सर क्या उसमें कोई चेंज है, उसमें भी चेंज नहीं है। 9-3 में कोई भी चेंज नहीं है। चेंज जो है वो 9-5 में है, 9-4 में। 9-4 में क्या चेंज निकल के आ रहा है, याद करो क्लास के अंदर वैसे हमने किया हुआ है। 9-4 मैंने कहा था कि जो आपका रिवर्स चार्ज था ना, उसके अंदर कहा था कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करेगा रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस के अंदर मैंने कहा था रिवर्स चार्ज लगेगा। बट मैंने कहा था कि वो डेफर हो गया था, पहले वो डेफर हुआ 30 जून 2018 तक, फिर 30 सितंबर 2018 तक, फिर जो अब लेटेस्ट डेट है वो 30 सितंबर 2019 तक डेफर हो चुका है। इट मीन्स ध्यान रखना सर, जिनके भी एग्जाम ओल्ड सिलेबस में है ना, उनके एग्जाम में कंफर्म ये डेट बन सकती है कि 9-4 की डेफरमेंट कहां तक जा चुकी है। तो 9-4 की डेफरमेंट जा चुकी है 30 सितंबर 2019, दोबारा बोल रहा हूं 30 सितंबर 2019 तक डेफर हो चुके हैं। इट मीन्स 9-4 के प्रोविजन प्रैक्टिकल लाइफ में भी एप्लीकेबल नहीं है। अब बच्चा ये बात कह रहा है, सर इसका मतलब अब जो रिवर्स चार्ज हमारे एग्जाम में आएगा क्या वो सिर्फ 9-3 वाला आएगा? यस, हमने क्लास में भी 9-3 किया था, 9-4 मैंने समझाया जरूर था, उसके एक दो मैंने ग्राफ बनवा दिए थे, बट वो 9-4 मैंने उस टाइम भी कहा था कि हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, वो मत करना। 9-4 डेफर हो चुका है, 9-4 30 सितंबर 2019 तक डेफर है। अच्छा एक चेंज यहां पर और आया है, बट वो चेंज वैसे हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 9-4 ना इन्होंने पूरा मॉडिफाइड कर दिया। अगर आपके पास मेरी जीएसटी की नई बुक है उसमें 9-4 मैंने बिल्कुल नया दिया है, क्योंकि जो नया 9-4 है ना वो जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 से आया है। मैं क्यों नहीं कह रहा कि वो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि जब मैंने बोला कि वो 30 सितंबर 2019 तक डेफर हो चुका है, तो जो नया 9-4 है वो वैसे हमारे किसी काम का नहीं है। बट मैं आपको बता रहा हूं जिनके एग्जाम दिसंबर में है, सर जिनके एग्जाम दिसंबर में है 9-4 की इंप्लीकेशन उनके लिए आ सकती है, बट जिनके एग्जाम जून में है 9-4 की इंप्लीकेशन उनके एग्जाम में नहीं आनी। जो नया 9-4 है वो भी नहीं करना, और जो पुराना 9-4 है वो भी गवर्नमेंट ने वैसे ही डेफर कर दिया कि 30 सितंबर 2019 तक डेफर हो चुका है। बात समझ में आ रही है? बाकी 9-5 हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ईसीओ वाला था ना, याद करो अगर ईसीओ स्पेसिफाइड सर्विस की सप्लाई करेगा तो ईसीओ जीएसटी पे करेगा, और फिर बाकी केस में सप्लायर पे करेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। मतलब आज भी वही केस आते हैं, ईसीओ वाले केस में कोई चेंज नहीं है। तो चेंज कहां पर है फटाफट बताओ, 9-1 में नो चेंज, 9-2 में नो चेंज, 9-3 में नो चेंज, 9-4 में चेंज। यस, चेंज क्या है, वो डेफर हो गया कहां तक, 30 सितंबर 2019 तक। और दूसरा 9-4 पूरा ही चेंज हो गया, बट वो हमें नहीं पढ़ना क्योंकि वो जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 18 का है, वैसे भी डेफर हो चुका है, हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि 9-4 की लेटेस्ट डेफरमेंट डेट क्या है, 30 सितंबर 2019, बस ये चेंज आया है। बाकी 9-5 आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाला जो आपने पहले क्लास में किया था वही सेम आपने 9-5 करना है जी। देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है डेफर हो चुका है 30 सितंबर 2019 तक, न्यू क्लोज आया है 9-4 इंसर्टेड बाय जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 18, बट वो हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अमेंडमेंट नंबर 1 बस ये हमारी चार्जिंग सेक्शन की है और कुछ भी नहीं है। देखो जी सबसे पहले अमेंडमेंट मैंने क्या लिखा है, 9-4, 5-4, 5-4 मतलब आईजीएसटी वाला, और 7-4 यूटीजीएसटी वाला डेफर्ड टिल 30 सितंबर 2019। इट मीन नई डेट आ चुकी है 30 सितंबर 2019 तक, 9-4 के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, पहली अमेंडमेंट ये है। सर ये तो अमेंडमेंट वैसे ही है, हाँ मैंने पहले भी कहा था इसके कोई अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है। इट मींस बट ध्यान रखना फिर भी जिनके एग्जाम ओल्ड सिलेबस में है वहां तो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, तो डेट तो आपको ध्यान होनी चाहिए। मेरा फर्ज है आपके लिए, चाहे वो इंपॉर्टेंट है या नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे करानी थी कि 30 सितंबर 2019 तक अब ये प्रोविजन डेफर हो चुकी है। दूसरी अमेंडमेंट जो निकल के आई है दैट इज सप्लाई के चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। अब ध्यान सुनना सर, सप्लाई के चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट क्या आई है, आपको मैं यहां पर अपनी बुक दिखा रहा हूं जी, आपको अपनी बुक दिखा रहा हूं, और यहां पर मैं अपनी बुक का पेज नंबर खोल रहा हूं। इधर सुनो ध्यान से, जिनके पास मेरी बुक्स हैं पेज नंबर 87, आपका ना एक पेज नंबर 87 होगा, मैं यहां पर खोल देता हूं, ये रहा जी, ये देखो जी ये मेरी बुक में सप्लाई का चैप्टर है,
आपको मैं दिखा रहा हूं जी, ये मेरी बुक में सप्लाई का चैप्टर दिया है, चैप्टर नंबर 4। इसके अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं, और अगर मैं वैसे बोलूं ना, अमेंडमेंट्स नहीं है, लॉ मेकर से कुछ गलतियां हो गई थी, लॉ को लिखने में गलतियां हो गई थी, वो गलतियां हमने क्लास में भी ऑब्जर्व की थी। याद करो जो बच्चे मुझसे पढ़े होंगे, मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि लॉ मेकर से गलती हो चुकी है, उस गलती को वो सही करेंगे, बस उन्होंने वो गलतियां सही की हैं। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं ना, वैसे चैप्टर 4 में, सप्लाई के चैप्टर में ऐसा नहीं है, कुछ नया पॉइंट आ गया, जो आपने पहले पढ़ा था वही सेम है, बट लॉ मेकर से कुछ गलतियां थी, उन्होंने उन गलतियों को सही कर दिया, बट वो गलतियां क्या थी, वो गलतियां कैसे सही की हैं, वो मैं यहां पर देखनी है, क्योंकि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इधर सुना ध्यान से, एक बात मुझे बताओ जी, याद करो जो हमने चैप्टर नंबर 4 जीएसटी में सप्लाई का किया था ना, तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि जीएसटी सप्लाई पर लगता है, इट मींस अगर सप्लाई होगी तो जीएसटी होगा, अगर सप्लाई ही नहीं होगी तो जीएसटी नहीं होगा। उसके बाद याद करो मैंने क्लास में ना आपको कहा था कि सेक्शन नंबर 7 के ना 3 क्लोज होते हैं, याद करो, एक तो मैंने कहा था 7-1 होता है, एक मैंने कहा था 7-2 होता है, और एक मैंने कहा था 7-3 होता है। 7-1 के अंदर मैंने क्या कहा था कि 7-1 क्या बताएगा कि सप्लाई क्या है वो 7-1 में है, फिर सप्लाई क्या नहीं है वो 7-2 में है, और 7-3 में गवर्नमेंट नोटिफाइड करती थी कि क्या गुड्स की सप्लाई बनेगा, क्या सर्विस की बनेगा, वो गवर्नमेंट की पावर थी। याद करो फिर मैंने 7-1 के ना 4 क्लोज बताता था, एक तो 7-1A, 7-1B, 7-1C और 7-1D, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। और फिर हम ये बात बोलते थे 7-1A में सारे काम सप्लाई बनते हैं, दो कंडीशन थी, विद कंसिडरेशन इन द कोर्स। 7-1B में इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले काम थे, 7-1C में विदाउट कंसिडरेशन वाले काम थे, और 7-1D में बोलता था कि वो ये बात बोलता कि जो भी काम सप्लाई बना वो किसकी सप्लाई बनेगा वो 7-1D में था। और याद करो मैंने वो क्लास के अंदर भी कहा था कि 7-1D ना 7-1D वैसे 7-1 का पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7-1 में लिखा था सप्लाई इंक्लूड्स, मतलब सप्लाई में क्या आएगा ABC, बट चेक करो 7-1D ना हमें ये नहीं बताता था कि सप्लाई में क्या आएगा, वो ये बोलता था कि वो किसकी सप्लाई बनेगा। अब एक बार सोच के बोलना, लो लिखने वाले से गलती क्या होगी, गलती से उसने क्या कर दिया, 7-1D लिखा। अब जैसे ही 7-1D लिखा ना, तो 7-1D लिखने से क्या पता लग रहा है कि वो सप्लाई में आएगा, बट सोच के बोलना क्या 7-1D जो हमने क्लास में किया था, क्या वो 7-1D ये बताता है कि सप्लाई में क्या आएगा या किसकी सप्लाई बनेगा, किसकी सप्लाई बनेगा। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उस गलती को रेक्टिफाई कर दिया, और रेक्टिफाई प्रोस्पेक्टिव बेस पर नहीं किया, रिट्रोस्पेक्टिव बेस पर, कि जब से जीएसटी आया है हम अपनी गलती मान रहे हैं, हमसे गलती हुई थी, हमने 7-1D क्लोज जो ऐड किया था ना वो वहां पर नहीं आना चाहिए, 7-1A सही है, 7-1B सही है, 7-1C सही है, उन्होंने 7-1D अब यहां से हटाकर एक नया क्लोज इंसर्ट कर दिया 7-1A, और 7-1A में ना कुछ भी नहीं लिखा, उन्होंने पता क्या बोला कि जो काम 7-1 में सप्लाई तुम बना चुके हो ना वो किसकी सप्लाई बनेगा वो 7-1A में आपको बता देंगे। अब बच्चा ये बात कह रहा है, सर इट मींस आप ये बात कहना चाह रहे हो जो पहले हम 7-1D में पढ़ते थे क्या वो 7-1A में पढ़ेंगे, यस वही सेम बात पढ़नी है। बच्चा कह रहा है फिर चेंज क्या है, सर चेंज ये लिख कर आया कि जिनके भी अगर एग्जाम सब्जेक्टिव है ना, अगर वो 7-1D लिख के आएंगे तो बड़े वाला काटा लगेगा, नंबर मिलेंगे 0, ये चेंज आया है। अब सोच के बताना अगर आपने 7-1A की जगह पुराने वाला 7-1D लिख दिया, ठाकुर तो गयो, 5 नंबर फ्री के गए, लिखा आपने सही है, प्रोविजन बिल्कुल सेम है, बट अगर क्लोज नंबर ही गलत लिख दिया तो वो नंबर क्यों देगा आपको। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर, आपको देखने से लग रहा होगा छोटा चेंज है, जब किसी का क्लोज नंबर ही चेंज हो जाए और आपने पुराना क्लोज नंबर लिख दिया हो तो एग्जाम में नंबर 0 आने हैं। तो नया क्लोज क्या निकल कर आ रहा है, अब देखो पिक्चर क्या बन रही है, आपको मैं दिखाता हूं अब पिक्चर क्या बन रही है। ये देखो अमेंडमेंट 2 है, पिक्चर बन रही है सेक्शन 7 की, क्या है जी 7-1A, 7-1B, 7-1C। अब ये 7-1D देखो यहां से हटा दिया, अब ये 7-1A जो है ना अब यहां पर आ चुका है, ये 7-1A आ चुका है, फिर 7-2 वो तो पहले भी था और 7-3 वो पहले भी था, तो अब मुझे सोच के बताना 7-1ABC, अब ये 7-1ABC रह गया, अब ये ABC क्या बताएंगे, सप्लाई क्या है, जो भी सप्लाई है वो किसकी सप्लाई है, 7-1A गुड्स की या सर्विस की, और 7-2 में क्या लिखा हुआ था, याद करो शेड्यूल 3 कि क्या क्या सप्लाई में कवर नहीं होता, वो 7-2 आज भी वही है, और 7-3 गवर्नमेंट की पावर है कि गवर्नमेंट नोटिफाइड कर सकती है किसको हम गुड्स मानेंगे किसको सर्विस मानेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन अमेंडमेंट नंबर 2 किस में है जी, सर अमेंडमेंट नंबर 2 हम आपको बताएंगे कि अमेंडमेंट नंबर 2 ना ये आई है कि 7-1 के पहले 4 क्लोज थे ABCD,
अब वो डी खत्म हो गया, अब वो डी खत्म होने के बाद ना बस नया नाम हो गया 71A। आपको मैं दिखा देता हूं अपनी बुक में। अच्छा मेरी बुक में यहां पर मिस प्रिंटिंग है, वो एक बार सही कर लेना जिनके पास मेरी बुक्स है, कई बच्चों ने वैसे कर ली होगी। ये देखो जी, ये 71D मैंने अपनी बुक में काटा हुआ है, अगर आपने ध्यान से देखा हो ना, ये मैंने काटा हुआ है क्योंकि अब ये खत्म हो चुका है। और ध्यान रखना सर, अब ये जो कटी हुई लाइन है वो आपको एग्जाम में नहीं लिखनी, चाहे आपके एग्जाम जून में है। यहां पर मैंने पहले लिखा हुआ था कि ये जून के लिए एप्लीकेबल लाइन है, मतलब ये पहले जून के लिए पढ़नी है, बट ध्यान रखना अब जून वालों को नया लो पढ़ना है। जून जिनके एग्जाम जून में है उनको नया लो पढ़ना है। नए लो का मतलब क्या है कि आपने एग्जाम में 71A लिख के आना है। तो अगर आपकी बुक में 71A दिया हुआ है तो 71A पढ़ लो, नहीं दिया हुआ तो यहां पे वीडियो पॉज करके ना 71A लिख लो, एक बार चेक करो 71A में थोड़ा सा और चेंज आया है क्या, आपको मैं दिखाता हूं। एक बात मैंने सोच के बताओ, इधर देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा ना आपको 71D पढ़ाता हूं और फिर बताना 71A में क्या चेंज आया। 71D में लिखा था The activity to be treated as supply of goods or supply of service as referred to in Schedule 2। इसका मतलब क्या जी? इसका मतलब यह था कि किस activity को हम goods की supply मानेंगे, किसको service की supply मानेंगे, यह हम refer कर देंगे Schedule 2 में। It means सोच के बोला 71D ने क्या कहीं यह बताया कि supply क्या है? नहीं सर, वो तो बता ही नहीं रहा। वो तो ये बात कहना चाह रहा है कि जो 71ABC में सप्लाई बना वो किसकी सप्लाई बना, वो 71D में था। अब गवर्नमेंट ने कहा कि भैया इनका ना आपस में मैच नहीं हो रहा था तो इसलिए हम 71D खत्म कर रहे हैं। अब नया क्लोज 71A आ गया। अब ध्यान से बना चेंज क्या है, वेयर सर्टेन एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन, सर एक नया वर्ड आ गया और ट्रांजेक्शन। इट मीन सर मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आपने गलत लिखा ना नंबर आपके जीरो आएंगे, अमेंडमेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बच्चा कह रहा है सर पहले एक वर्ड था एक्टिविटी, अब ये और ट्रांजेक्शन लिखा, इसका मतलब क्या है? सर एक बात मैंने सोच के बताना, जीएसटी मैंने पहले भी कहा था कि जीएसटी गुड्स पर भी है, जीएसटी सर्विस पर भी है, और अगर गुड्स और सर्विस दोनों की सप्लाई करोगे ना तो भी जीएसटी लगेगा। अब एक बात मैं सोच रहा था आपके सामने, मैं जो ये काम कर रहा हूं नॉर्मली ये काम है सर्विस, और सर्विस को हम बोलते हैं एक्टिविटी कर रहा हूं, बट अगर मैंने गुड्स एंड सर्विस ये दोनों काम एक साथ किए तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन, किसकी की, गुड्स एंड सर्विस की। या अगर मैंने आपको मोबाइल सेल किया तो आप क्या बोलोगे, मोबाइल सेल करना एक्टिविटी है या ट्रांजेक्शन है? नॉर्मली हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन है। अब बच्चा ये बात कहना चाह रहा है, अच्छा सर आप मतलब ये बात कहना चाह रहे हो कि अगर सर्विस वाला केस होता था तो एक्टिविटी हो जाता था, गुड्स वाले केस के लिए ना वो स्पेसिफिक वर्ड था नहीं तो लोग आर्ग्यूमेंट करते होंगे। आर्ग्यूमेंट क्या करते होंगे, भैया मैंने तो गुड्स की ट्रांजेक्शन की है, तुमने एक्टिविटी लिखा, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई चाहे एक्टिविटी हो चाहे ट्रांजेक्शन हो कुछ भी हो यहां पर आएगा। तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्लैरिफिकेशन डाल दी है, पहले सिर्फ एक्टिविटी था अब साथ में लिख दिया और ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन मींस अब चाहे तुम गुड्स एंड सर्विस या गुड्स की बात कर रहे हो तो भी यहां पर आएगी, और सर्विस की एक्टिविटी कर रहे हो तो भी यहां पर आएगी। तो बात खत्म भैया, अब सारे काम यहां पर हमने कवर कर लिए, अब हमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, हमें कोई लड़ाई नहीं चाहिए, हमने क्लियर कर दिया। अब क्लियर करके पढ़ो क्या लिखा है, वेयर सर्टेन एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट ए सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1। ओके बोल दो फटाफट से, वो कह रहा है सब सेक्शन 1 में जो काम सप्लाई बना, सब सेक्शन 1 मींस क्या, ये देखो ए बी सी इसमें जो सप्लाई बना तो उसने क्या बोला, दे शैल बी ट्रीटेड आइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज रेफर्ड इन शेड्यूल 2। अब मुझे फटाफट से बोल देना, ऑलमोस्ट सारी लाइनें सेम हैं, सिर्फ उन्होंने 2-3 वर्ड नए ऐड किए हैं। पहला वर्ड ऐड किया ट्रांजेक्शन, फिर दूसरा वर्ड ऐड किया जो सब सेक्शन 1 में सप्लाई बन चुकी है उसको हम किसकी सप्लाई मानेंगे, अब वो 71A में आपको बता देंगे। वैसे इतने टाइम के अमेंडमेंट है नहीं जितनी मैंने खींच दी, आपको लग रहा होगा मतलब सर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट आप अप्रिशिएट फील करोगे जिस तरह एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना, आप अप्रिशिएट फील करोगे मैंने टाइम लगाया था क्यों आपको भी पता नहीं है। तो मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, अब सोच के मुझे बताओ, अब सेक्शन 7 में क्या क्या हो गया, देखो जी यहां पर एक बार इधर देख लो, एक तो 71ABC 71D था किसकी, वो इन्होंने खत्म कर दिया, अब ये किसकी वाला कहां पर आ गया 71A, बाकी 72 तो आज भी है, 73 आज भी है, बस एक 71 कैपिटल A नया पॉइंट ऐड कर दिया जो ये बताएगा कि वो सप्लाई किसकी बनेगा। समझ में आ गया पक्का पक्का? यस सर, एक अमेंडमेंट तो ही आई है इसके अंदर, ठीक है जी। अब ध्यान सुना दूसरे अमेंडमेंट क्या आई है, एक बात मैंने सोच के बताओ, आपसे ही पूछता हूं आप खुद अमेंडमेंट निकाल दोगे। एक बात मैंने बताना, जब ये अमेंडमेंट नहीं थी हम क्लास में क्या पढ़ते थे,
सर हम ये पढ़ते थे 71A, फिर 71B, फिर हम पढ़ते थे 71C, और फिर आप हमें बोलते थे 71D, और आप हमें क्लास में ये बोलते थे 71ABC बताएंगे कि वो सप्लाई क्या है और जो भी सप्लाई है वो किसकी है, वो 71D में लिखा होगा, आप ये बोलते थे, बोलता था ना। अब सोच के बोला उस टाइम लो में क्या लिखा होगा, 71A एंड 71B एंड फिर 71C एंड 71D। अब सोच के बोलना, जब ये 71D खत्म हो गया तो ये वाला एंड भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सी के बाद तो कुछ आना ही नहीं, ठीक है जी। अब यहां पर चेंज पता क्या आया है, चेंज सिर्फ ये निकल कर आया है, यहां पर आपको मैं दिखाता हूं, ये देखो बस यहां पर ये वर्ड आ गया, देखो यहां पर 71A के बाद ये हमारा 71A है, ठीक है जी, ये देखो जी ये हमारा 71A है। इसके बाद फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के बाद इन्होंने एंड वर्ड ऐड किया है, बस अगर आपकी बुक में एंड वर्ड नहीं दिया हुआ तो एंड वर्ड ऐड कर लेना, और ये 71B के बाद भी यहां पर एंड वर्ड ऐड कर दिया, और 71C के बाद अब जो एंड वर्ड था, अब यहां पर ध्यान रखना अब ये एंड वर्ड खत्म हो चुका है, क्यों, क्योंकि अब 71D नहीं है, ठीक है जी। तो बस दो एंड लगाने हैं, ए के बाद लगाना है, बी के बाद लगाना है, सी वाला एंड जो है वो खत्म कर देना, क्योंकि वो 71D अब है ही नहीं। आपको मैं दिखा देता हूं, इधर देखो ध्यान से, ये 71A यहां पर आएगा एक एंड, और 71B एंड, 71C वाला एंड खत्म हो गया क्योंकि 71D पिक्चर में ही नहीं है। सर ये कैसे कैसे आप अमेंडमेंट करा रहे हो, सर आपको पता नहीं है अमेंडमेंट कुछ नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूं अभी चेंज हमने कुछ नहीं किया, चेंज तो नोटिफिकेशन के अभी आने हैं, बट ये क्लैरिफिकेशन है और ये उनकी गलतियां हैं, उन्होंने गलतियां मानी हैं, गलतियां सही की हैं, और हम ये क्लास में करते थे गलतियां, बट सोच के देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया और आपने वही पुराना लो लिख दिया तो क्या नंबर कटेंगे नहीं कटेंगे, यस कटेंगे। तो सर चाहे वो क्लोज नंबर चेंज किए हैं, चाहे लैंग्वेज में चेंज नहीं किया, क्लोज नंबर चेंज होना भी बहुत बड़ा चेंज होता है मेरे अकॉर्डिंग, तो बाकी आपके अकॉर्डिंग कितना है वो मुझे नहीं पता, ठीक है जी। तो देखो जी चेंज सबसे पहला, एक तो 71ABC डी खत्म हो गए, 71A बन गया, 72 और 73 आज भी है। उसके बाद 71A के बाद एंड है, 71B के बाद एंड है, 71C के बाद वाला एंड खत्म हो गया क्योंकि 71D खत्म हो गया, ये चेंज आ गया। अब दूसरा चेंज यहां पर पता क्या आया है, याद करो हम शेड्यूल करते थे जीएसटी में, मैंने कहा था 3 शेड्यूल होते हैं। हाँ सर, सर आप ना प्लीज हमारी बात मानोगे, आप ना बीच में मत बोलना, हम आपको ना याद करवा देते हैं वो शेड्यूल क्या थे। मैंने कहा बताओ जी। सर शेड्यूल 1 जो था ना वो ये बात बोलता था कि कुछ काम फ्री वाले हैं, उस फ्री वाले काम को भी हम सप्लाई मान लेंगे। मैंने कहा यार क्या बात है। सर शेड्यूल 2 पता क्या बोलता था, कि जो भी काम सप्लाई बना वो किसकी बना, गुड्स की या सर्विस की, वो शेड्यूल 2 में लिखा होगा। आपने 18 एंट्री करवाई थी हमें, उस 18 एंट्री में आपने बोला था 13 तो सर्विस वाली है, 5 गुड्स वाली है। अरे यार तुम्हें तो सारा याद है। सर हमें शेड्यूल 3 भी याद है, आपने शेड्यूल 3 में हमें करवाया था कि कौन कौन से काम सप्लाई ही नहीं बनेंगे गुड्स या सर्विस की, उसमें आपने 6 एंट्री करवाई थी। सर क्या उसमें चेंज आया? यस उसमें चेंज आ गया। एक चेंज शेड्यूल 1 में है, एक चेंज शेड्यूल 2 में है, और 2 चेंज शेड्यूल 3 में है। एक बार दोबारा बोलूंगा, एक चेंज शेड्यूल 1 में है, एक चेंज शेड्यूल 2 में है, और 2 चेंज आपके शेड्यूल 3 में है। इन तीनों शेड्यूल में चेंज आ चुके हैं। चेंज क्या है? छोटे छोटे हैं बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार सुनते हैं ध्यान से वो चेंज है क्या। एक बात मुझे बताओ, अगर मेरी फैमिली के बच्चों को याद आ जाए ना सर, बिलीव मी दिल खुश हो जाएगा मेरा, मतलब मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं जो आपके सामने यहां पे आता हूं ना, सब कुछ सही जा रहा है, बिल्कुल दिल से निकलेगा, सब कुछ सही जा रहा है। याद करो सर जब हमने शेड्यूल 1 किया होगा, याद आ रहे हैं कुछ? शेड्यूल 1 के अंदर मैं ये बात बोलता था, चार काम फ्री वाले हैं, चार काम फ्री वाले हैं जिसको हम सप्लाई बनाते हैं। याद आ रहा है पहला काम क्या था? परमानेंट ट्रांसफर वाला। दूसरा काम था सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन वाला। तीसरा काम हम बोलते थे प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल। और चौथा काम था इंपोर्ट ऑफ सर्विस। बस ये चौथी एंट्री जो आपने बोली है ना, जो आपने बोली है इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाली, एक बार वो अपने मुंह से बोल देना क्या बोली थी आपने। सर आपने क्लास में कहा था इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी और फ्रॉम अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसको हम सप्लाई बना देंगे एंट्री नंबर 4 के अंदर, मतलब पैरा नंबर 4 के अंदर। इसमें चेंज आ गया। चेंज पता क्या है? एंट्री 4 खोल लेना, एंट्री 4 खोल लेना इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाली। चेंज ये निकल कर आया इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए टैक्सेबल पर्सन की जगह ना, इन्होंने टैक्सेबल वर्ड काट दिया, अब सिर्फ पर्सन वर्ड लिख दिया।
इट मींस अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, भैया अब वो चाहे पर्सन टैक्सेबल हो या ना हो, अगर उसने सर्विस इंपोर्ट की है ना बाहर से, अब वो यहां पर कवर हो जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूं, देखो ये पैरा नंबर 4 था जी, आपने ये पढ़ा होगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए टैक्सेबल पर्सन। अब ये टैक्सेबल वर्ड यहां से कट चुका है, अब सिर्फ पर्सन है। अब जिन्होंने मेरी बुक नई परचेज की हुई है, अगर मैं उनकी बात करूं तो पेज नंबर 118, पेज नंबर 118 पर मैं आ रहा हूं जी, आपको मैं दिखा देता हूं फटाफट से। जिनके पास बुक है उसमें ये चेंज मैंने ऑलरेडी कर रखा है, आपको मैं दिखा देता हूं, तसल्ली हो जाएगी आपकी। ये देखो जी, यहां पर देखो ये है ना एंट्री नंबर 4, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए पर्सन। पहले यहां पर ना पुरानी बुक के अंदर अगर आप देखोगे टैक्सेबल पर्सन वर्ड लिखा हुआ था, अब टैक्सेबल वर्ड हटाने से इफेक्ट क्या पड़ा, इट मींस अब कोई भी पर्सन है चाहे टैक्सेबल है चाहे वो नॉन टैक्सेबल है, अगर वो सर्विस इंपोर्ट करेगा ना फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो वो यहां पर कवर हो जाएगा। बस ये बात ध्यान देना सर, वर्ड बिल्कुल छोटा सा गायब किया है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आपने पर्सन और टैक्सेबल पर्सन के अंदर फर्क समझ लिया ना, ये बहुत बड़ा मैटर है। पर्सन का मतलब एनी पर्सन चाहे कोई भी हो, और टैक्सेबल मींस ओनली टैक्सेबल, तो आपको लग रहा होगा चेंज नहीं है, जब एग्जाम में क्वेश्चन बन गया आपने गलती करके आनी है, तो प्लीज ध्यान रखना। अब अगर ये वाला क्वेश्चन बनेगा चाहे वो नॉन टैक्सेबल पर्सन भी यहां पर कवर कर रहा है, तो भी वो काम एंट्री 4 में सप्लाई बन जाएगा, ये बात ध्यान देना। तो पहला चेंज क्या है शेड्यूल 1 में, तीनों एंट्री में कोई चेंज नहीं है, एंट्री 1 सेम, एंट्री 2 सेम, एंट्री 3 सेम, एंट्री 4 में टैक्सेबल की जगह वर्ड क्या आ गया, ओनली पर्सन, अब टैक्सेबल वर्ड वहां से हटा दिया गया है। तो देखो जी ये पहला चेंज है। दूसरा चेंज क्या है शेड्यूल 2, दूसरा चेंज पता क्या आया है, याद करो जो भी हमने 7-1-A किया, 7-1-A किया, 7-1-A सर ने कौन सा कराया है नालायक, अभी तो मैंने कराया 7-1-A, भूल 7-1-A सर, 7-1-A के अंदर मैंने क्या बोला है नालायक को, 7-1-A के अंदर मैंने क्या बोला है सर, हाँ याद आ गया, आपने बोला था वो 7-1-ABC में जो काम सप्लाई बनेगा वो किसकी बनेगा, उसके लिए 7-1-A आया, हाँ सर आपने बोला था, तो उसमें चेंज क्या आया याद करो, 7-1-A के अंदर मैंने कहा था ना पहले एक्टिविटी वर्ड था और ट्रांजेक्शन एक नया वर्ड आया ना, इन्होंने वही वर्ड अब शेड्यूल 2 में भी लिख दिया। इट मींस अगर आप अपनी बुक में शेड्यूल 2 खोलोगे ना, पुरानी बुक का शेड्यूल 2 खोलोगे, वहां पर पता क्या लिखा था, एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर वही दिक्कत क्या थी, ट्रांजेक्शन वर्ड कहां गया, लोगों ने आर्ग्यूमेंट किया कि मैंने गुड्स का काम किया है, मैंने दोनों काम किए हैं, ये तो मेरी ट्रांजेक्शन है, तो गवर्नमेंट ने अब क्लियर कर दिया एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन, बस ये और ट्रांजेक्शन एक नया वर्ड ऐड हुआ है। अब बच्चा कह रहा है सर ये आप कैसे कैसे अमेंडमेंट करा रहे हो, आपको पता नहीं है जिस दिन एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ना सप्लाई के, आप फिर अप्रिशिएट करोगे कि सर हम सही लिख के आए हैं, लोगों ने पुराना लो लिखा हुआ है। तो प्लीज ये बात ध्यान देना, ये मेजर चेंज है आपके लिए, चाहे छोटे मोटे होंगे मेरे लिए बहुत बड़े चेंज है सर। अब ध्यान रखना फटाफट से शेड्यूल 2 जब भी हेडिंग डालोगे तो वर्ड क्या लिखोगे, एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन, अब ये दोनों वर्ड लेके चलोगे, बस ये बात ध्यान देना ठीक है जी। आपको मैं दिखा भी देता हूं पेज नंबर 119, ये देखो जी ये आपका शेड्यूल 2 है एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन, बस ये वाला वर्ड नया आया है, बाकी सब कुछ सेम है ठीक है जी। तो ये चेंज है। अब बच्चा कह रहा है और शेड्यूल 3 में क्या चेंज आया, शेड्यूल 3 में चेंज तो छोटा सा है, एग्जाम के लिए रेलिवेंट भी इतना नहीं है, बट चेंज ये है कि अब दो नई एंट्री ऐड हो गई है। सर दो नई एंट्री ऐड होने का मतलब क्या है, मतलब आपने ना हमें याद आ रहा है यार विवेक सर ने रिवीजन क्लास डाली तो थी सर, हाँ याद आ गया, आपने ना वो 6 एंट्री हमें करवाई थी सर, हम आपको याद करवाते हैं। एक तो आपने कहा था पहला वो एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर वाला केस, बिल्कुल सही बात है। फिर सर दूसरा आपने कहा था वो कोर्ट और ट्रिब्यूनल के काम को हम जीएसटी इंचार्ज करेंगे, ठीक है सर। फिर सर तीसरा आपने कहा था वो एमपी एमएलए एमसी उनके काम बाहर हो जाएंगे, ठीक है। फिर सर चौथा आपने कहा था वो मरने के बाद वो FV क्रियाक्रम मरने के बाद दाह संस्कार वाले जो मर जाते हैं शमशान घाट वाले उन पर जीएसटी नहीं है, बहुत बढ़िया बात। और सर फिर एंट्री नंबर 5 में वो सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग, बहुत बढ़िया बात है। और सर वो एंट्री नंबर 6 में आपने कहा था एक्शनेबल क्लेम अदर देन बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी, क्या बात है यार तुम्हें तो सारे याद है। सर इसमें चेंज आया क्या, इसमें चेंज नहीं है, इसके अलावा दो एंट्री और आ गई। अच्छा मतलब 7th और 8th पॉइंट नया आ गया, यस ये दो पॉइंट नहीं आ गए हैं। अब ये 7th और 8th पॉइंट नया कौन सा है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आप खुद देख के बोलोगे सर ये तो अगर ना भी आता ना तो भी हमें क्लियर था। इधर देखो ध्यान से मैं आपको दिखा देता हूं, पेज नंबर है 140, मैं पेज नंबर 140 पे ओपन कर रहा हूं जी, मेरी बुक में ही है, आपके पास जो भी बुक्स होंगी मैं दोबारा बोल रहा हूं वीडियो को पॉज करके लिख लेना
ठीक है जी, टेंशन मत लेना, बिल्कुल आराम से वीडियो पोस्ट कर लेना, और अगर कोई डाउट आ रहे हैं पूछ लिया करो। इधर देखो ध्यान से, पेज नंबर 140 ए, पेज नंबर 140 किधर है, 140 पे नहीं है यार, 147 पे, मैं वही कहूं, पेज नंबर 147 पे आ जाना। लो जी, ये रे पेज नंबर 147, ये वीडियो अब यहां पे आ चुकी है, इसको पोज कर लेना, इसको पोज कर लेना, और ये दो पॉइंट लिख लेना अगर आपकी बुक में नहीं है तो। इधर सुना ध्यान से, ये दो क्लोज नहीं आए हैं, पहले तो मुझे इतना बताओ ये दो नए क्लोज आने का इफेक्ट क्या पड़ेगा। सर इफेक्ट ये पड़ेगा कि अब अगर हमने ये दोनों काम किए ना, इन दोनों को ना तो हम गुड्स की सप्लाई मानेंगे ना हम सर्विस की मानेंगे, इन पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। ये तो क्लियर हो गया ना, इट मीन्स अब इन दोनों में से कोई भी केस दिख गया तो इस केस पर जीएसटी नहीं है। अब ये दो क्लोज बोलते क्या है उसको समझते हैं। आओ जी, सातवां क्लोज ये बात कहना चाह रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू एनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इन टू इंडिया। सर बताओ, सोच के बताओ, मैं आपसे वैसे पूछ लेता हूं, एक आउटसाइड इंडिया से, आउटसाइड इंडिया में ही सामान जा रहा है, इंडिया में एंटर हुए बिना तो क्या जीएसटी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? बस ये क्लियर किया इन्होंने। यहां पर कई बार ना आर्ग्यूमेंट होता था, पता क्या था, आपको मैं दिखाता हूं। इधर देखो ध्यान से, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना सर, ये हमारे देश की धरती है, ये हमारी बेसलाइन है, ठीक है, ये 12 नॉटिकल माइल्स है, ये इंडिया है, 200 वाला इंडिया है ओनली फॉर ऑयल पर्पस, ये मान लो एक एंटिटी है, दूसरी कोई बाहर की कंट्री है, यहां पर एक दूसरी कंट्री है, इस कंट्री में सामान जा रहा है इस कंट्री से। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, एंटिटी से एंटिटी में सामान जाएगा बिना इंडिया में एंटर हुए बिना तो उस काम पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब देखो दो केस होते हैं, होता पता है कई बार क्या था, इंडिया वाले ने ऑर्डर किया, मान लो मैं इंडिया में रहता हूं, मैंने एक सामान ऑर्डर किया ऑस्ट्रेलिया से, किसी अलग कंट्री से, जब मैंने ऑर्डर किया ना, ऑर्डर मैंने कर दिया, बीच में किसी और का दूसरी कंट्री का ऑर्डर आ गया, उसने मेरे फोन किया कि सर मेरे को ना ये सामान चाहिए, मैंने कहा ठीक है जी मैंने ऑर्डर किया है, तो मैं उसको बोलता हूं ये सामान आपको ही भिजवा दे। अब सोच के बोलना, वहां से ये सामान दूसरी कंट्री में चला गया, इंडिया में आया ही नहीं, नो डाउट मैंने ऑर्डर किया था, बट क्या ऑर्डर होने से मैं जीएसटी लगा दूं? सर एक बात मैं सोच के, तो आपको मैंने पहले भी कहा था, जहां जहां कस्टम चलेगा वहां वहां जीएसटी चलेगा। अब सोच के बोला, मैंने फोन पर बोल दिया सामान वहां से वहां भिजवा दो, भैया इंडिया में सामान आया ही नहीं है, बिल ऑफ एंट्री पास नहीं हुई, कस्टम ड्यूटी नहीं लगी, तो जीएसटी किस बात का? तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि अगर एंटिटी से एंटिटी में सामान जा रहा है विदाउट एंटरिंग इन टू इंडिया तो उस काम को ना तो हम गुड्स की सप्लाई मानेंगे ना सर्विस की मानेंगे, जीएसटी नहीं लगेगा। और कई बार ऐसा भी होता है, आपको बताओ, अगर दूसरी कंट्री में जाना होता है ना, तो बाहर वाले इंडिया का पानी यूज कर लेते हैं, पानी यूज का मतलब क्या है, वहां से होके जाते हैं। अब अगर पानी यूज किया, इंडिया वालों ने क्या बोला, अरे भाई तूने मेरा पानी यूज किया है, 12 के अंदर आ गया, ला भाई जीएसटी ला। अब गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया, भैया अगर हमने पानी यूज करने का एग्रीमेंट किया हुआ है, वो हमारा पानी यूज कर सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस केस में कोई भी जीएसटी नहीं है। तो बस सिंपल से एक बात ध्यान रखना सर, अगर एंटिटी से एंटिटी में सामान जा रहा है विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया तो उस केस में कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया, अब कोई आर्ग्यूमेंट का मैटर ही नहीं है। तो ये पॉइंट नंबर 7 बस ये है कि अगर एंटिटी से एंटिटी में जा रहा है बिना इंडिया में एंटर हुए तो उस काम पर जीएसटी नहीं है। पॉइंट नंबर 8 देखो जी क्या, पॉइंट नंबर 8 भी ना कस्टम से रिलेटेड है, जिनका न्यू सिलेबस है उनको तो मे भी समझ में आ जाए क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत कस्टम पढ़ा होगा, प्रोफेशनल वालों को तो समझ में आ ही जाना चाहिए कस्टम उन्होंने पढ़ा होगा, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे मेरे छोटे छोटे क्यूट क्यूट से ध्यान से सुने मैं कहना क्या चाहता हूं, उन्हें भी मैं समझा के रहूंगा, चिंता मत करो। इधर सुना एक बात मैंने सोच के बताओ, एग्जाम्पल नंबर मतलब पॉइंट नंबर 8 का मैंने नीचे डायग्राम दिया हुआ है, ये इंडिया की बेसलाइन है, ये 12 वाला पानी है, 200 वाला है, और मान लो आउटसाइड इंडिया है। अब सोच के बोला, जैसे मैंने क्या बोला, मान लो मैंने ऑर्डर किया बाहर से एक सामान मंगाया, ऑर्डर मैंने कर दिया जी, अब 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर वो आ गया, 200 के अंदर आ गया, बाहर से किसी का ऑर्डर आ गया कि मुझे ये सामान चाहिए, मैंने उसका टाइटल उसको ट्रांसफर कर दिया और इस सामान को मैंने क्लियर नहीं करवाया, मैंने सेल जरूर कर दिया बट मैंने क्लियर नहीं कराया, मतलब कस्टम से जब मैंने क्लियर ही नहीं करवाया, सोच के बोलना
याद करो कस्टम ड्यूटी, मैंने पहले भी कहा था कस्टम ड्यूटी कब लगती है सर, जब होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करते हैं ना तब कस्टम ड्यूटी लगती है। एक बार सोच के बोल देना, मेरा सामान 200 के अंदर पहुंचा था, वहीं पड़े पड़े मैंने गुड्स किसी और को भेज दिया, तो क्या मैं कस्टम ड्यूटी दूंगा? नहीं दूंगा। दूसरा, 12 के अंदर आ गया सर, 12 के अंदर आ गया, 12 में आए हुए सामान को मैंने किसी को दे दिया, तो क्या मैं कस्टम ड्यूटी दूंगा? नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने तो क्लियर करवाया ही नहीं है, तो यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। अब होता पता क्या, कई बार क्या होता था, मान लो चलो 12 के अंदर नहीं है, कस्टम पोर्ट पर सामान आ गया। कस्टम पोर्ट का मतलब क्या है, आपको पता है मुंबई में कस्टम पोर्ट होता है, मतलब वहां पे सामान पड़ा होता है। अब जैसे मान लो ये वाला एरिया मेरा कस्टम पोर्ट है, एक सामान बाहर से आया, अनलोडिंग हो गई, कस्टम पोर्ट पे सामान पड़ा है, यहां से कस्टम वाले का फोन आ गया, हेलो विवेक सर बोल रहे हो? मैंने कहा हां जी सर, वो आपका सामान ना बाहर से आ चुका है, तो अपना सामान ना वो क्लियर करवा के ले जाओ। मैंने बोला भाई यार अभी तो ना मेरे पास ना कस्टम ड्यूटी के पैसे नहीं है, ऐसा करो इसको तुम वेयर हाउस में रख दो, कस्टम के ना वेयर हाउस होते हैं, सामान वहां चला जाता है। मैंने बोला कस्टम के वेयर हाउस में रख दो, उसने कहा ठीक है जी। उसने सामान उठा के रख दिया कस्टम के वेयर हाउस में। जब वो सामान वेयर हाउस में गया, वहां पर पड़े हुए सामान का मेरे पास ऑर्डर आ गया। उसने कहा भाई मुझे सामान चाहिए। मैंने कहा सामान पड़ा है वेयर हाउस के अंदर पड़ा है, मैं तुझे सेल कर रहा हूं, जब तू क्लियर करेगा ना तो कस्टम ड्यूटी पे कर दी। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वेयर हाउस में पड़ा हुआ सामान, वेयर हाउस के अंदर पड़ा हुआ सामान मैंने किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो क्या मुझे इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी है? नहीं पे करनी। होता पता क्या था, इंपोर्ट ड्यूटी की दिक्कत नहीं थी, जीएसटी गवर्नमेंट मांगती थी। अब लोगों ने बोला भैया जीएसटी किस बात का, कि जब तुम्हारे आईजीएसटी के प्रोविजन साफ साफ कह रहे हैं कि जहां जीएसटी है, सॉरी जहां कस्टम है वहीं तो जीएसटी है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बस वो बात क्लैरिफाई कर दी गवर्नमेंट ने। सिंपल से एक बात बोल दी है सर, सिंपल से एक बात बोल दी, अगर होम कंजम्पशन की क्लियरेंस से पहले, एक बार दोबारा बोलूंगा, होम कंजम्पशन की क्लियरेंस से पहले आपने जितनी मर्जी बार बीच में सामान किसी को दिया हो, हम उसको ना तो गुड्स की सप्लाई मानेंगे ना सर्विस की मानेंगे, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इनमें गवर्नमेंट कहना क्या चाह रही है सर, जहां जहां कस्टम है वहीं वहीं पर आईजीएसटी है, बस ये बात ध्यान देना। ये दोनों पॉइंट अमेंडमेंट नहीं है, एक तरह से क्लैरिफिकेशन है बस। आर्ग्यूमेंट करते थे, लड़ाइयां होती थी, ठीक है, छीना छानी छीना छपटी होती थी, लोगों की तरह पागलों की तरह जीएसटी मांगते थे, गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया भाई जब तक ये तेरा सामान होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं होगा ना, मतलब जब तक इंपोर्ट ड्यूटी तू पे नहीं करेगा, तेरे से हम जीएसटी भी कलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी। ये देखो आठवां पॉइंट ये है, देखो जी एक बार, ये देखो आठवां, पहले तो सातवां पॉइंट एंटिटी है, आठवां में क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स to any person before clearance for home consumption, वही बात कह रहे हैं। फिर देखो supply of goods by consignee to any other person by endorsement of documentation of title of goods after the goods have been dispatched from port of origin located outside India but before clearance for home consumption. It means क्या है, या तो पानी में goods आपने बेच दिया या warehouse में goods आपने बेच दिया, बस आपने home consumption के लिए clear ना किया हो। अगर वो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं किया, उससे पहले चाहे आपने भेज दिया ना, तो उसको हम गुड्स और सर्विस की सप्लाई नहीं मानेंगे, जीएसटी नहीं लगेगा। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आती है। तो ये अमेंडमेंट सर आपकी सप्लाई के चैप्टर में आई है, ठीक है जी। बताओ इसके अंदर था क्या, तो आपको मैं दिखाता हूं जी। अब ये देखो एक बार, ये वाली अमेंडमेंट हमारी आई है जी, फटाफट से, अब फटाफट से मुझे आज की क्लास 2 मिनट के अंदर रिविजन करवा दो कि अभी तक हमने अमेंडमेंट में किया क्या। सर सबसे पहले अमेंडमेंट आपने बताई चार्जिंग सेक्शन में, जो 9.4 हम क्लास में करते थे उसकी नई डेट आ चुकी है 30 सितंबर 19। वैसे तो 9.4 सर नया भी आ गया है, बट वो नया वाला हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि 9.4 डेफर हो चुका है, वो हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है जून के एग्जाम के लिए। पहली अमेंडमेंट ये। सर दूसरे अमेंडमेंट आपने बताई सप्लाई में, आपने बोला सप्लाई में वैसे तो अमेंडमेंट नहीं आई है, लॉ मेकर से कुछ गलतियां हुई थी, लो निकले में गलती हो गई थी, उन्होंने गलती मान ली है, उन गलतियों को सही कर दिया है, वो गलती हमें पढ़नी है बस। सबसे पहले अमेंडमेंट आपने बताई जो सेक्शन सप्लाई का था 71ABC, उसमें एक 71D था, वो ये बात बोलता था कि जो काम 71ABC में सप्लाई बनेगा वो किसकी बनेगा वो 71D बताएगा, बट 71D मैच नहीं करता क्योंकि जब ऊपर सप्लाई क्या है वो बताया है तो सप्लाई किसकी है वो 71D में कैसे आ गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो 71D खत्म करके 71Capital A नया डाल दिया, और 71Capital A में एक वर्ड ऐड कर दिया एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन, जो सब सेक्शन 1 में सप्लाई बन चुकी है वो किसकी बनेंगी हम आपको बता देंगे, वो शेड्यूल 2 में लिखा होगा। सर इस वजह से शेड्यूल 2 में भी एक चेंज आ गया,
शेड्यूल टू में क्या चेंज आया, वहां पर एक वर्ड आ गया ओवर ट्रांजेक्शन, ये चेंज आ गया। फिर सर आपने एक चेंज हमें कराया शेड्यूल वन के अंदर, जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला केस था वहां पर लिखा था इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए टैक्सेबल पर्सन, तो वहां पर अब टैक्सेबल हटा दिया, सिर्फ पर्सन वर्ड रह गया। सर फिर आपने शेड्यूल थ्री में दो नई एंट्री करवाई हैं, और दो नई एंट्री कहना चाह रही है एंटिटी टू एंटिटी सामान जा रहा है, बिना इंडिया में आए तो सप्लाई मत मानो। और दूसरा आपने बोला होम कंजम्पशन की क्लियरेंस से पहले जितनी मर्जी बार किसी को ट्रांसफर कर दो, हमें कोई जीएसटी तुमसे नहीं चाहिए, ये आपने हमें कराया है सर बस। ठीक है, तो सर क्या और भी अमेंडमेंट आई है? यस। अच्छा एक बच्चों के डाउट यार था सर, वो कॉम्पोजिट स्कीम की लिमिट 1.5 करोड़ हो गई है। नहीं, जिनके एग्जाम दिसंबर में है उनके लिए लिमिट 1.5 करोड़ है, जिनके एग्जाम जून में है, भाई हाथ जोड़ के सुन लो दोबारा से, आपके लिए लिमिट 16 लाख ही है, आपके लिए लिमिट 16 लाख है। मैं दोबारा बोल रहा हूं लिमिट 150 लाख मत कर लेना, मत कर लेना, मत कर लेना, बिना बात के पेपर में नंबर कट जाएंगे आपके। तो कॉम्पोजिट स्कीम में क्या चेंज है, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में क्या चेंज है, रिटर्न में क्या चेंज है, आईटीसी में क्या चेंज है, ये सारे मैं आपको बताऊंगा, सारे चेंज हम करेंगे वन बाय वन। आज मेरे पास बस अभी मेरी क्लास है 2:30 बजे, अभी 2:10 हुए, तो समय 10 मिनट के अंदर लंच करूंगा जी, 10 मिनट लंच में लगाऊंगा, और फिर उसके बाद मेरी क्लास है। अगर शाम को मुझे टाइम मिल गया तो मैं एक क्लास और रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा कि डाल दूंगा, ठीक है जी। बट अब ये तो मैंने आपको बता दिया जी, अब सर कुछ बातें ना, कुछ बातें मुझे आपसे डिस्कस करनी है। अगर 5 मिनट हैं, नवरात्र चल रहे हैं, उठ के मत जाना सर, दिल की बातें हैं, प्लीज मेरी बात मान लो यार, उठ के मत जाना, पूरी वीडियो सुन लेना प्लीज। अगर मुझे नहीं पता आप सुनोगे नहीं सुनोगे, मुझे नहीं पता, बट बिलीव मेरा दिल, आज मैं बोल भी रहा था 2-3 बच्चों को कि मेरे जज्बात हैं, मेरी फीलिंग्स हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं, आप मेरी फीलिंग्स समझ रहे हो या नहीं समझते मुझे इतना पता नहीं लगता, बट मेरी जो फीलिंग्स होंगी ना आपके लिए मैं आपको बता दूंगा। इधर सुना ध्यान से सर, आज मैं आपसे 5 मिनट बस ये बात करना चाहता हूं। बहुत दिनों से बच्चा मुझे डेली ये मैसेज कर रहा था कि सर अमेंडमेंट क्लास कब डालोगे या रिवीजन क्लास कब डालोगे, और कई बच्चे तो ये बोल रहे थे सर अपना सारा बैच ही उठाकर डाल दो, कि जो रेगुलर बैच आप डाल रहे हो सारा डाल दो। मुझे देखो बिलीव मी, मैं आपकी बात करना कभी बुरा नहीं मानता, और मैं बुरा मानू भी क्यों, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई हो, आपकी भी फीलिंग्स हैं मेरी भी फीलिंग्स हैं। अब सबसे पहला जब उन्होंने बोला कि अमेंडमेंट क्लास कब डालोगे, सर बिलीव मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा, नवरात्रे चल रहे हैं, मेरी 2-3 महीने से ना पिछले मेरी तबीयत खराब चल रही थी, इवन अभी भी मैं पूरा सही नहीं हूं, बट ये तो आपका प्यार है, आपका मोटिवेशन है जो मुझे यहां पर वीडियो बनाने को करता है, अदरवाइज मेरे को मतलब अभी बुखार और कफ काफी टाइम से था, सही नहीं हो रहा था। मैंने बस माता रानी को ये बोला कि माता रानी जो गलतियां हो गई हैं उसको सही कर दे, बस मैं अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करता हूं। तो उन्होंने बोला रिवीजन अपना अमेंडमेंट कब डालोगे, सर मैंने कमिटमेंट किया अमेंडमेंट डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए अमेंडमेंट पूरी डालूंगा, ये आपके बड़े भाई की कमिटमेंट है, इतना विश्वास मुझे पे करके चलो। और मैंने स्टार्ट कर दिया अमेंडमेंट डालनी, पहली तो चलो आपका ये आपका क्वेश्चन था मैंने रिप्लाई कर दिया। दूसरा रिवीजन आप बच्चे बोल रहे थे सर रिवीजन मैंने पहले भी कहा, जो रिवीजन दिसंबर के लिए मैंने डाली है वही सेम रिवीजन आपके लिए है, मत भागो मत भागो, उसको अच्छे से कर लो, सारी अमेंडमेंट डाल रहा हूं उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है अगर आपने सही तरह से रिवीजन देखी है। फिर तीसरा बच्चे का डाउट ये था सर जो आप ये अब नए रेगुलर बैच की सैलरी की क्लास बेसिक और ये जो आपने कल जीएसटी की क्लास डाली है हम ये करें या वो करें, सर ये सिर्फ क्लास आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए है। जिन बच्चों को आइडिया ही नहीं है कि टैक्स के बेसिक्स क्या होते हैं, जीएसटी कैसे आया कैसे बना, सिर्फ उनके लिए डाल रहा हूं, जो बच्चे ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं सिर्फ वही पढ़ेंगे, अगर वो ये नहीं भी देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो, बिना बात का टाइम बहुत कम पड़ा हुआ है। अब सुना ये तो आपके क्वेश्चन थे, मैंने क्या रिप्लाई, अब मेरे क्वेश्चन है, एक बात मैंने सोच के बताना सर, उठ के अगर कोई चला गया ना, उठ के अगर कोई चला गया आप देख लेना, फिर आज नाराज हो जाऊंगा, बड़ा भाई आज आपसे नाराज हो जाएगा, चाहे मेरी बात आप सुनो नहीं सुनो, बस एक बार सुन के चाहे कान से निकाल देना, बट एक बार सुन लेना सर, एक बात मैंने सोच के बताना सर, आज 11 अप्रैल है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे एग्जाम को ना, हमारे एग्जाम को सिर्फ 50 दिन बचे हैं, 50 दिन में ना आपने मुझे मेरे क्वेश्चन आपने मुझे रिप्लाई करना है, आज मेरे क्वेश्चन का आपने रिप्लाई करना है, मेरे 3 क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये आ रहा है कि एक बात मैंने सोच के बताओ, आप अपने आप से पहले आज एक क्वेश्चन पूछोगे कि आप सोशल मीडिया पर कितना टाइम वेस्ट करते हो, कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो। सर बिलीव मी आपके लिए ना, आपके लिए ये दिल कई बार रोता है, मैं हैरान होता हूं यार, मतलब व्हाट्सएप पे मैं भी 5-6 ग्रुप का मेंबर हूं, भाई साहब एक कोई मैसेज डाल दे
विद इन ए नैनो सेकंड इतने सारे बच्चे वहां पर कमेंट कर देते हैं, पढ़ लेते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा वो पढ़ रहे हैं या सारा दिन ऑनलाइन बैठे हैं। मतलब कितने सारे चैनल सब्सक्राइब किए हैं, कुछ नहीं, खुद ही नहीं पता कितने। वो तो जब नोटिफिकेशन आती है ना तो पता लगता है, ओहो ये भी चैनल किया है, चल 10 मिनट देख ही लेता हूं। मतलब क्या कर रहे हो आप? सर आपको मेरी बात बुरी लगे क्या? चाहे आप उठ के बीच में चले जाओ, मैं बात पूरी कंप्लीट करूंगा, ये बात ध्यान रखना। ये कमाल की बात है बहुत ज्यादा। सर बिलीव मी, जिस टाइम हम पढ़ रहे होते थे ना, आप बच्चे मुझे बोलते थे आप 20 साल में कैसे सीए बन गए, किस्मत तेरी होगी। सर बिलीव मी, मैं याद करता हूं वो 3 साल जो मैंने अपनी जिंदगी के गुजारे हैं, 3 साल में जो इतना सेक्रीफाइस किया है ना सर, ऐसा मुझे सीए की डिग्री नहीं मिली। चाहे कहने वाले मेरी किस्मत पे जितना मर्जी बोल दें, मेरा दिल जानता है कि मैंने दिन रात कितना हार्डवर्क किया था। मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग मेरे साथ थी, मेरी डेडिकेशन मेरे साथ थी, मैं डिस्ट्रैक्शन मैंने अपनी जिंदगी से बहुत दूर निकाल के घेरी थी। सर हम तरस जाते थे कि एक टीचर कोई अगर होगा तो रिवीजन क्लास डाल दी यूट्यूब पे, हमें यूट्यूब पे रिवीजन क्लास देखने को नहीं मिलती थी। सर सारा काम हमने खुद कर दिया, इतना हार्डवर्क कर करके 3000 पेज की बुक को 100 पेज में कंसाइज करके पढ़ना। क्यों? क्योंकि हमें डर होता था कि हम फेल ना हो जाए। आपको डर ही नहीं है? मतलब डर ही खत्म हो चुका? क्यों? बना बनाया सामान मिल रहा है यार। कम से कम आप अपना हार्डवर्क तो करो, अपना हार्डवर्क क्यों भूल गए आप? मतलब याद करो, इमेजिन करो, अगर ये यूट्यूब ना होता तो क्या पास नहीं होते क्या? सर मैंने पहले भी कहा था, जो बच्चे रैंक लेने वाला है ना, जो बच्चा रैंक लेने वाला है वो कभी इतना टाइम वेस्ट करता ही नहीं है यार। उसका माइंड पहले से क्लियर है, अमेंडमेंट उसको, उसके मन में डर क्या है? अमेंडमेंट देख लूंगा, बाकी सब खुद करूंगा, खुद नोट्स बनाऊंगा। इट मीन्स आर बना बनाया मैं कहता हूं कि चलो मैंने आपको पीपीटी, मैंने बच्चे, कमाल की बात यह है सर आपके सामने यहां पर है, आप 2 मिनट पॉज करके वो चीज नहीं लिख पाते। बच्चा कहता है सर इसका पीडीएफ दे दो। यार मैं पीडीएफ दे दूंगा, आपने कभी खुद सोचा आपका हार्डवर्क कितना कम हो जाएगा? आप कितना टाइम आपने वेस्ट ही करने 1-2 घंटे? आपको मेरी बात बुरी लगेगी, बट जो बच्चे सीरियस हैं पढ़ रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो बच्चे अपने आप को जो ऑब्जर्व कर लेगा ना आज कि यार, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल विवेक, यार सर बात तो सही कह रहे हैं, मतलब मेरा हार्डवर्क कहां गया? मुझे अपने लिए भी हार्डवर्क करना है, मुझे अपने लिए हार्डवर्क करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए रैंक लेकर आना है, यार मेरा हार्डवर्क कहां गया? अपने को कभी ऑब्जर्व करो कि मैं दिन में कितना टाइम वेस्ट करता हूं, कितना टाइम मैं कहां लगा रहा हूं, कितना टाइम मैं किस चीज पे लगा रहा हूं, मैं क्यों लगा रहा हूं। मतलब हर बच्चा मैं देखता हूं सर, 50% बच्चा नेगेटिव होके बैठ जाता है। सर हमने सुना इस बार पेपर ना फिर मुश्किल आएगा, हमने सुना इस बार रिजल्ट फिर कम आएगा। यही सोच सोच के आपने जिंदगी में कभी पास नहीं होना, ये आज भी मैं बोल रहा हूं और कल भी बोलूंगा मैं। सर बच्चा इस सोच में तैयारी करते हैं ना, रिजल्ट कैसा आएगा इस सोच में तैयारी करेगा कि पेपर कैसा आएगा, वो लाइफ में कोई पास हो ही नहीं सकता। जो बच्चा रैंकर्स है, जो पढ़ने वाला है, वो ये जानता है कि आज जब मैं रात को अपने बिस्तर पर जाऊंगा, मेरा दिल मुझे गवाही देगा कि जितना मैं दिन में पढ़ा हूं मैंने बहुत अच्छा काम किया। और जिसके दिल से ही नहीं सेटिस्फेक्शन आ रही कि मैंने यार पढ़ा भी है, सोचता जा रहा है, माइंड में भरा पड़ा है, ये करना है, वो करना है, ये चीज पड़ी है, वो चीज पड़ी है, हाय राम कैसे होगा, हाय राम कैसे होगा, टाइम नहीं है, ये नहीं है, ये सोचने वाले बच्चे तो मुझे समझ नहीं आते कि एग्जाम किस दिन निकालेंगे। भाई आपसे बड़े भाई की अगर आप मुझे कुछ भी मानते हो ना, 1% अगर मुझे कुछ मानते हो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है 50 दिन पड़े हैं, शेड्यूल बना लो सर। और ये मत देखो कितना रह गया, ये देखो कितना हो गया, उसको मैं अच्छे से करूं। यार जितना हो गया वो तो अच्छे से करो, जो रह गया वो तो करना ही है, उसमें टाइम लगाना है, उसको सोच सोच के टाइम और मत वेस्ट करो। और जितना हाथ में है उतना ही अच्छे से कर लो, ज्यादा हाथ फैलाओगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर, बिलीव मी, जो आपका भाई मैं यहां पर पढ़ता था ना सर, मैं पढ़ता था, एक रूम होता था, एक मैं होता था, एक टेबल थी, एक चेयर थी। और बिलीव मी, अगर दुनिया इधर से उधर हो जाए, जिस टाइम मेरा ये चैप्टर पूरा नहीं होगा ना, मैं उठूंगा नहीं यहां से। सर दिन रात मैंने किया वही टेबल पर, मुझे अभी तक याद है, वही टेबल पर बैठे बैठे ना हम ऐसे करके 10 मिनट सो जाते थे, 10 मिनट उठते थे, फिर रात को 12 बजे हम घर जाते थे। लाइब्रेरी के अंदर कम से कम 15-15, 16-16 घंटे की सिटिंग दी है। और कईयों क्या लग रहा होगा, 20 साल में सीए बन गया, किस्मत अच्छी है, कोई, मैंने कहा ना, मैंने सर आप, मैं किसी की थिंकिंग तो सर सोच नहीं सकता, मैं किसी की थिंकिंग को क्या बोलूं, मेरे जज्बात है, मेरी फीलिंग्स हैं, मैं आपसे कितना प्यार करता हूं ये मेरा दिल जानता है, आपका मुझे पता नहीं आपका क्या, बट ये मेरा दिल जानता है कि मैं आपको कहां तक लेके जाना चाहता हूं। जो बच्चे जाना चाहते हैं पहुंच जाएंगे, जो बच्चों का एक ही एम है, अरे बोलता रहता है बिना बात के बोलने दे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या है। मैं तो उन बच्चों के लिए तो बोलूंगा ना जो बच्चों को मेरी बात लगती है, जिन बच्चों को मेरी बात लगती ही नहीं है उनके लिए मैं क्या बोलूं सर। मे बी एक दिन ऐसा आए कि उनको लगे कि विवेक सर सही बोलते थे,
तो अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व किया करो, दिन में 15 मिनट रात को बैठा करो, 15 मिनट आप सब अपने आप से क्वेश्चन पूछा करो कि तूने क्या किया आज, कितना टाइम तूने पढ़ने में लगाया, कितना टाइम बातों में लगाया, कितना टाइम फेसबुक, कितना टाइम सोशल मीडिया, कितना टाइम सोने में, कितना टाइम यूट्यूब में, कितना टाइम पढ़ने में, कितना टाइम बिना बात की फिजूल की बातें करने में, कितना टाइम सोचने में, कितना टाइम नेगेटिव होने में, कितना टाइम पॉजिटिव होने में, कितना टाइम उन लोगों से बात करने में लगाया जो तुझे आगे बढ़ाने की तरफ बात करते हैं। सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा सर, नहीं तो मैं पागलों की तरह, देखो मेरी तो तबीयत खराब है, फिर भी आपके लिए बोल रहा हूं कि मैं भी आपके दिल में एक बात बैठ जाए कि मेरे पास 50 दिन पड़े हैं, 50 दिन मैं लगा दूं अपनी जिंदगी के, क्या पता ये दिन दोबारा वापस नहीं आ, सर दिन वापस नहीं आता, बिलीव में दिन वापस नहीं आते, हम तरसते हैं, हम तरस जाते हैं कि काश, और जो ये काश वर्ड है ना, काश, ये काश वर्ड जिंदगी में कभी खत्म हो ही नहीं सकता, ये काश सिर्फ एक चीज से खत्म होगा, आपकी डेडिकेशन से, आपकी कंसिस्टेंसी से, आपकी सीनियरनेस, आपकी जो सीनियोरिटी है ना, आप जिससे डिसिप्लिन से काम करोगे उससे खत्म होगा। और आपने बॉडी पे थोड़ा टाइम लगाया करो सर, थोड़ा सा टाइम योगा, योगा किया करो, एक्सरसाइज किया करो, अच्छा खाया पिया करो, 50 दिन बचे हैं, तबीयत खराब मत करो, अपना ध्यान रखो, कि मुझे पता है जब मेरी थोड़ी तबीयत खराब पीछे 2-3 महीने में हो गई थी ना, मुझे पता है इतना काम करने का मन करता था, और मैं भगवान से बस एक ही बात बोलता था कि हे भगवान, मेरा दिल जानता है कि मैं श्रम करना क्या चाहता हूं बट मैं कर नहीं पा रहा, बट किसी की ब्लेसिंग मेरे ऊपर ऐसी लग जाए कि मैं वो काम कर दूं। तो सर आपको मतलब मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि एक चीज करनी है, एक चीज करनी है आपको, वो चीज करनी है अपने पेरेंट्स के लिए, करनी है दोस्तों के लिए, करनी है, उसके लिए आग अंदर लगानी पड़ेगी, जुनून अंदर जगाना पड़ेगा, तभी वो काम होगा। ऐसे 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 भागने से काम नहीं होते। एक माइंड बिल्कुल क्लियर हो, माइंड बिल्कुल क्लियर हो, माइंड में कोई कंफ्यूजन ही ना हो। पढ़ने वाला बच्चा, मुझे पता है कि पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, उसके माइंड में कुछ चल ही नहीं रहा, उसके माइंड में सिर्फ एक चल रहा है कि भाई अमेंडमेंट देख ली, बात खत्म, पढ़ने के लिए बैठा, उसके प्लान पहले से क्लियर है, उसको निकालना है। मैं तो ये चाहता हूं कि हर फैमिली के बच्चे का निकले सर, बाकी आपके ऊपर है। तो बस यही 2-3 बातें मुझे आपसे बोलनी थी, सिर्फ यही बोलना चाहता हूं, डेली 15 मिनट अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व कर लेना, अपने आप से क्वेश्चन पूछ लेना, जो कुछ चाहिए जितना मेरी तरफ से हो सकता है मैं देने को तैयार हूं। सर मुझे अभी, मैंने कहा ना, बस थोड़ा सा मेरी तबीयत सही हो जाए, अगर आपकी ब्लेसिंग मेरे साथ रही, मेरे को अमेंडमेंट भी डालनी है जीएसटी कस्टम की, रिविजन का भी थोड़ी बहुत डालनी है, मैं डालूंगा, बट आप एकदम उसके लिए नहीं है कि यार आज ये क्लास आनी थी, ये अगर नहीं आई तो मैं क्या करूं ना। प्लान ए काम नहीं करा तो प्लान बी काम करेगा, प्लान बी नहीं है तो प्लान सी रखो ना, कि भैया आज अगर चलो टेक्स मैं नहीं पढ़ पाया, लो पढ़ूंगा। पैनिक नहीं होना सर, गुस्सा ये चीज आपने खाली रखनी है, ये चीज क्योंकि सर मैं आपको बिलीव में कह रहा हूं कि जिस टाइम पढ़ता था ना, उस टाइम अगर ये दिमाग खराब हो जाता था, मेरे से पढ़ाई नहीं होती थी, पूरा पूरा दिन मैंने सर एक एक हफ्ता ऐसे निकाला, एक एक हफ्ता, कि जब बाद में एक हफ्ते के बाद मैं बोलता था कि यार एक हफ्ता तूने खराब कर दिया विवेक, तू सही कैसे करेगा उसको, अब तू टाइम कहां से लाएगा। फिर बस मेरे को सर बोलते थे, जो मेरे सीनियर टीचर बोलते थे, वो कहते थे विवेक अभी भी टाइम है, शुक्र है टाइम है, टाइम पड़ा है, 50 दिन पड़े हैं, 50 दिन कम नहीं होते सर, 50 दिन लगा दो जिंदगी के, मे भी एग्जाम निकल जाएंगे आपको, मे भी आप खुशी फील कर लो जो आप खुशी फील करना चाहते हो, ऐसे तो नहीं होगी जिस तरह से आप लगे हुए हो, ठीक है जी। बाकी आपके ऊपर है, और सॉरी मतलब कान पकड़ के सॉरी बोल लेता हूं, बड़े भाई हूं तो भी सॉरी मांग लेता हूं कि अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो, बट दिल से बोल रहा हूं सर, एक दिल से बस एक ही आवाज निकलती है, आप पास हो जाओ, आप पास हो जाओ, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग ले लो, उनकी खुशी देख लो और चेहरे पे स्माइल देख लो, और मेरा कोई थिंकिंग नहीं है सर, बिलीव मी, आपको लोगों को लगता होगा उनकी सोच है, उनकी सोच है, उनकी सोच में कभी जाता नहीं, मेरा काम स्टार्टिंग से आज भी यही है कि मैं अपना बेस्ट दे सकता हूं, इस ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है जी। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच, मैं आपके लिए लगा रहूंगा, जिंदगी भर लगा रहूंगा, जब तक मैं इस लाइन में रहूंगा जिंदगी भर लगा रहूंगा, आपको फैमिली बढ़ानी है, बस अपना काम करते जाना है, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग, उनकी रिस्पेक्ट करो और आशीर्वाद लो उनका हमेशा, बाकी बस यही है जी। बाकी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट अमेंडमेंट क्लास के अंदर बहुत जल्दी आएगी। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय जी।